नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आम लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए पुलिस ने अब जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को रूबरू होकर सुनना शुरू कर दिया है। इसी तारतम्य में शहर के महाराजा कॉलेज के शताब्दी हॉल में चदरपुर अनुविभाग के एक शिविर का आयोजन किया गया। चदरपुर अनुविभाग अंतर्गत कोतवाली, सिविल लाइन और ऊंचा रोड थाना क्षेत्र के कई मामलों को इस शिविर में सुना गया। सुबह 9 बजे शुरू हुए इस शिविर में थानों में दर्ज 78 मामूली विवाद के दोनों पक्षकारों को मौके पर बुलाया गया। इनमें से 40 शिकायतों को मौके पर निराकृत भी किया गया, जिनमें कई मामले पति पत्नी के झगड़ों, पारिवारिक झगड़ों और जमीनी विवाद को लेकर भी थे। गौरतलब है कि लगभग एक सप्ताह पहले छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने SP तिलक सिंह के साथ बैठकर छतरपुर में इस तरह की शिविर लगाने की बात कही थी। विधायक के आग्रह के परिपालन में पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने पूरे जिले में इस तरह के शिविरों की शुरुआत की है। SP के निर्देश पर शनिवार को महाराजा कॉलेज में ये शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ SP तिलक सिंह ने किया। इसके बाद ASP जयराज कुबेर के नेतृत्व में दोपहर तक ये शिविर चलता रहा। ASP जयराज कुबेर ने बताया कि 40 मामलों के निराकरण के साथ ही पति पत्नी से जुड़ी 6 शिकायतें और जमीन से जुड़े 7 मामले भी सामने आए, जिनको सभी अधिकारियों ने सुना और शीघ्र निराकरण की रणनीति बनाई। ये अनुभाग छतरपुर का शिकायत निवारण शिविर है। इसमें छतरपुर पुलिस अवार्ड में 3 थाने आते हैं, सिविल लाइन, कोतवाली, उठा हो। ये तीनों थाने प्लस महिला सेल से संबंधित जो मामले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। थानों से पहले नोटिस भेजे गए, पिछले 7 दिन से प्रक्रिया चल रही थी। नोटिस भेज के फरियादियों दोनों बच्चों को बुलाया गया है। इसमें साथ ही साथ महिला संबंधित समस्या को निराकरण के लिए महिला बाल विकास विभाग को और साथ ही राजस्व विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। अभी फसल बुआई का समय, जमीन संबंधी मामले बहुतायत में आ रहे हैं, उनके मौके पर निराकरण के लिए SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी यहाँ बुलाया गया है। वो मौके पर सुन रहे हैं और समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इस शिविर में एक खास मामला भी सामने आया। छतरपुर के एक प्रजापति परिवार में पति पत्नी का आपसी विवाद विगत 7 वर्षों से चल रहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे। जब इस मामले में परिवार के लोगों ने समाज से बात की तो समाज ने लड़की पक्ष पर अपनी बेटी ससुराल भेजने का दबाव बनाया, जबकि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहने में असहमत थे। समाज ने नाराज होकर लड़की पक्ष का बहिष्कार कर दिया था। इस मामले की शिकायत जब पुलिस के पास पहुंची तो दोनों पक्षों के साथ साथ प्रजापति समाज के वरिष्ठ लोगों को भी शिविर में बुलाया गया। सभी पक्षों की बात सुनकर सबसे पहले लिखित में इस बहिष्कार को खत्म कराया गया और पति पत्नी के विवाद को कानून के माध्यम से सुलझाने का रास्ता दिखाया गया। किशन लाल जो है, उनकी बच्ची की शादी हुई थी हमारी समाज में गुरचरण उनके साथ, और करीबन 20-22 साल पहले शादी हुई थी। 5-7 साल जिन दोनों रहे उसके बाद उनका कोई उनका विवाद, तो बच्ची ससुराल नहीं जाती थी। तो समाज में बैठा कोई, तो समाज ने कहा कि तुम बच्ची को बता दीजिए कि आप बच्ची को भेज दो ससुराल। तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दो, समाज लिख के दे दो तो हम बच्ची को भेज दें। समाज लिख के नहीं दे सकती कभी किसी को, हम लिख के देते हैं। एक मानवता के नाते यही कहते हैं कि आप अपनी बच्ची अपनी ससुराल भेज दो। शादी इसलिए करते उसका कोई है तो इसलिए हम लोग समझाते रहे, जो मानते नहीं थे तो इसीलिए थोड़ा समाज का बहिष्कार हुआ। और आज उसी बहिष्कार को आज राजीनामा में आज शिकायत निवारण शिविर में हुआ। क्या हुआ फिर? राजीनामा हो गया कि अब समाज से ना आप बंद हो, समाज में शामिल हो, समाज के सारे अपनी मन मर्जी से जाएंगे, जिसकी इच्छा होगी जाएंगे और जिसकी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे को दवा बहुत परेशान करता था, इसलिए मेरे पंच को सुनाया कि मेरी बच्ची को थोड़ा समझा दवान को, ये मारे पीटे नहीं हो। तो हमने पंचायत लगाई, हमने पंचायत लगाई तो इन लोगों ने हमें कहा कि बच्ची को भेजो या छोड़ छुट्टी दो। तो हमने खुद बच्ची बोली कि 2 शब्द लिख के दे दो तो हम ससुराल चले जाएंगे। तो ये लोग बोले हम लिख के नहीं देंगे, हमारे कहने से भेजा और हमारा दवान कहता था असल बात की हो तो मर जा, फांसी लगा ले, यदि कुछ घटना घट जाती तो कौन था जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार कौन था। तो हमने पंचायत जोड़ी, तो फिर पंचायत में क्या हुआ, इन लोगों ने हमें सास समाज से बंद कर दिया। मेरे यहाँ पिताजी भी गमी हो गई, इन लोगों ने वहाँ से भगा दिया। मेरी बहू 60 साल से अपने मायके नहीं जा पाई और कोई कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाने दे रहे हमको। अभी हमारी सास खत्म हो गई तो कोई धंधे रंग में हिस्सा नहीं होगा। आने आने आगे अभी तो जो लोग बोल रहे हैं कि तुम सबके यहाँ तुम जा सकते, हम लोग हमारे यहाँ आ सकते। मम्मी पापा मैं धमकी दे रहे हैं, और कल किस्त लाने गए थे तो कल भी 2 भैया मानने के लाने आ गए थे,
और पूरा इन और परसों अब कुछ दिन पहले स्टैंड पर ने धमकी दी थी पापा ने कि तुम्हें एक महीने के बाद मार के फेंक देंगे। जो लोग एकदम धमकी की धमकी, हम उनको सुकून से रहने तक नहीं दे रहेंगे और सब सामान रखें, पूरा जेवर रखें और भी कह रहे कुछ नहीं रखें हम, पुलिस वाले उनको लेके आओ, सपना ले जाओ। हाँ हमने की थी ना, रिपोर्ट डाली थी ना। आज कहाँ पर बुलाया है? महाराजा कॉलेज। क्या समाधान जी? ये दोनों पक्ष की आमना सामने बात हो जाए, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहेंगे बुलावे पे भी। क्या कहा था? वो ये कह रही है इनके बक्स ले लो, सियान वो बयान ले लो इनकी और इनको निपटा दो, अलग करो, कार्रवाई कर देंगे उनके ऊपर। जमीन संबंधी विवाद है सर, जो सरपंच ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है यही गुरैया में, उसी की हमने शिकायत की थी तो आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हाँ संविधान से मेरे बुलाया था मेरे को थाने वालों ने, तो मैं आ गया, अभी नहीं हुआ है। अब वो तो उनने नहीं बुलाया होगा तो हमें नहीं मालूम, हमको बुलाया तो हम आ गए हैं, लेकिन वो कह बैठो हमने उसको भी बुलाया है। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्ले एजुकेशन देती है बच्चों को विस्तार, खेल खेल में शिक्षा और संस्कारों का समावेश, बच्चों को बनाता है जिंदगी के लिए परफेक्ट। न्यू मॉर्निंग प्ले स्कूल तैयार करता है ऐसे बच्चे जिन पर आप करें गर्व। न्यू मॉर्निंग प्ले टू एर्थ, अ प्ले स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, डिबोर्डिंग फैसिलिटी के साथ, अ कैंपस लाइक द सेकेंड होम फॉर किड्स। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों की मानसिकता को समझकर उन्हें देता है सरल और सहज शिक्षा, एनटीटी क्वालिफाइड टीचर्स जो अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को करते हैं कल के लिए तैयार। लर्न बाय फन पद्धति के जरिए ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट बेस टॉयज की सुविधा, स्केटिंग गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशनल ट्रिप्स टू एक्सपोज चिल्ड्रन, ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटर फैसिलिटी, ब्यूटीफुल एंड फर्निश्ड क्लासरूम्स, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने के लिए परिवहन सुविधा। हम देते हैं बेस्ट फैसिलिटी विद लोअर फी। एडमिशन के लिए संपर्क करें न्यू मॉर्निंग प्ले स्कूल, महोबा रोड गुरुद्वारे के सामने, छतरपुर।